सबको लाइफ में बढ़िया ही काम चाहिए, अच्छा रहन सहन, अच्छा बोल चाल, अच्छा खाना पीना सबको पसंद है, लेकिन जो लाइफ में किस्मत में जो होता है वो तो होगा ही। भगवान की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता ऐसा लोग कहते तो है, आपको ये महसूस होता है? भगवान का सेवा करने वाला बहुत हर चीज होता है। मैं भगवान का सिवा और किसी से नहीं डरता हूँ, सभी चीज होता है, जादू टोना टोना टोटका भगवान सब कुछ है इस दुनिया में। आप मानते हैं? कुछ मैं मानता हूँ, मेरे साथ बीता भी है। घर जाते रहते हैं अब? नहीं, मुझे घर वाले कोई केयर नहीं करता था, मैं आ गया घूमते घूमते सीधा। और आपको ऐसा क्यों लगता है घर वाले केयर नहीं करते? केयर करता तो 24 घंटा ढूंढता ना, मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आता ना। उन्होंने आपको ढूंढा भी नहीं? नहीं ढूंढा ना। सब मोदी मोदी चिल्ला रहा है, मोदी ने क्या करा, कल कबाड़ी चुनता था कोई लड़के वड़के, आज भी वो वही काम कर रहे हैं। देश के काम उन्नति, देश का उन्नति जब होगा, एक 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 बंदा जी पैसे वाला होगा, एक एक बंदा करियर पे अपना फोकस करेगा पूरा। प्याज था 20 रुपये किलो, अब प्याज हो गया 50-60 रुपये किलो, वहाँ से बच्चों को खिलाएगा वो। मैं नहीं उठता है 4 बजे नहाने, सीधा लत चिल्लाता है, मेरा उंगलियों से यहाँ टूट गया है, ये हाथ कितना बनिया था, अभी यह संतोष न टूटा है, कोई थोड़ी गलती से। वहीं पे आपको परेशान किया था? वहीं चाइल्ड सेंटर। यहाँ कभी बच्चे काम नहीं करता, वहाँ बच्चे बच्चे से काम कराता, खेती बाजी ये वो, तब उसे 2 पैसे खाना मिलता है। कहते जीवन है, उस भगवान ने दिया है जीवन, तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा मेरे बारे में। जब तक अंत नहीं होता जीवन की, जब तक आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है, पागल हो के चाहे रो के चाहे हंस के, जब तक जीवन काटना ही है, यह सत्य है। भाई फूल एक ऐसी चीज है जिससे आप प्यार दिखा सकते हैं, अब वो प्यार चाहे आप किसी अपने को दिखा रहे हो या भगवान को, फूल जो है प्यार दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आज हम ऐसे लोगों के पास पहुंचे हैं जो आपकी मदद करते हैं प्यार दिखाने में, वो भी किसको, भगवान को। आज हम एक मंदिर में हैं जहाँ पे हम उन लोगों से बात करेंगे जो भगवान को चढ़ाई जाने वाली मालाएं बनाते हैं। हमारे साथ नारायण जी है और नंदा जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है। कैसा चल रहा है काम? काम ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, थोड़ा सा हम भगवानों का सेवा करता है। जी हम शनि महाराज का सेवा करता है। शनि महाराज की सेवा करते हैं आप? भगवान का सेवा करना तो ये सौभाग्य है, अच्छा। ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है कि भगवान का सेवा कर रहा है, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया उनका सम्मान करना हमारा पूरा पूरा अधिकार है, इसलिए हम उन्हीं की सेवा करते हैं। तो आप उन्हीं की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जिन्होंने दुनिया बनाई है उनकी सेवा से बढ़िया और क्या होगा। कब से कर रहे हैं आप ये काम? कम से कम 15-20 साल हो गया। 8-10 साल से हो गया? हाँ जी, 10 साल से सेवा पानी करते हैं। और इससे पहले आप लोग क्या करते थे? पहले हाँ, पहले ये करता था, पहले मंदिर का ना कुटोड़ा भटोड़ी ये काम, शनि महाराज का सेवा भी बाबा डी जी यहाँ पहुँचाए, फूल माले का ना काम, फूल माले का ना काम शिव किया है मैं, तभी अभी लगाए मैं 6 बजे के अंदर। तो 8-10 साल हो गया इस काम को। आप लोगों को काम पसंद तो आता होगा? काम तो देखो सबको लाइफ में बढ़िया ही काम चाहिए, अच्छा रहन सहन, अच्छा बोल चाल, अच्छा खाना पीना सबको पसंद है, अच्छे जैसे 2 घंटा काम करो ऑफिस में बैठा, हर किसको नहीं पसंद है, लेकिन जो लाइफ में किस्मत में जो होता वो तो होगा ही। मैं तो सिंगर बनना चाहता था, मैं आर्टिस्ट बन गया। सिंगर बनना चाहते थे आप? आर्टिस्ट बन गया मैं। आर्टिस्ट हूँ मैं, मेहंदी टैटू फ्लावर डिजाइन सब आते हैं। ये सब आता है आपको? हाँ जी। और कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल से, बंगाल में कब तक रहे आप? बंगाल में 12 साल की उम्र में वहाँ से आ गया था। 12 साल की उम्र, परिवार के साथ आए थे? मैं अकेला आया था। मैं अकेले आए थे, मतलब बंगाल छोड़कर दिल्ली ही आए थे? क्या सोच के आए थे आप? ऐसे कोई यारे दोस्त मिल गया, घूमते फिरते कोई लड़का मिल गया, उसी के साथ घूमते घूमते उसने स्टेशन दिखाया, ट्रेन दिखाया, मुझे अच्छा लगा, वॉकिंग करते गया, घूमते गया, वॉकिंग करते करते घूमते घूमते यहाँ दिल्ली आ गया सीधा। आप 12 साल की उम्र में घर छोड़ के दिल्ली आ गए, डर वर नहीं लगा आपको? नहीं, मैं भगवान का सिवा और किसी से नहीं डरता हूँ। किसी से नहीं? किसी से भी नहीं।
माँ बाप से भी नहीं, बच्चे बचपन में तो डरते हैं, आप घर छोड़ के चले आए ऐसे ही। घर वालों को पता था? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। अब तो पता है, बीच में गया था। कब गया था? 7-8 साल पहले गया था। 7-8 साल, मतलब आप 12 चार पाँच साल, 4-5 साल पहले गया था। घर जाते रहते हैं अब? नहीं, पास में नहीं है ना, तो रेगुलर में जा नहीं सकता। रेगुलर नहीं जा सकते, बहुत दूर है ना। और यहाँ पे कोई घर है? यहाँ पे कोई घर नहीं है, जहाँ काम करता हूँ वहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। मंदिर में? हाँ। और खाने पीने का इंतजाम? खाना पीना होटल से, दुकान से, रेस्टोरेंट में खा लेते। इतनी कमाई हो जाती है? कमाई वो 300-400-500 कमाई लेते हैं इतना तो। उतने में आपका दिन निकल जाता है? अब क्या करें, कम पड़ेंगे तो सर थोड़ी फड़ेंगे। हम तो अपने आप को ही बोल सकते, दूसरे किसी को बोलने का हमारा कोई हक नहीं है। माँ बाप आपको नहीं रोके, मत जाओ पढ़ लो नौकरी कर लो? मुझे घर वाले कोई केयर नहीं करता था, मैं आ गया घूमते घूमते सीधा। और आपको ऐसा क्यों लगता है घर वाले केयर नहीं करते? केयर करता तो 24 घंटा ढूंढता ना मुझे, ढूंढते मैं यहाँ तक आता ना। उन्होंने आपको ढूंढा भी नहीं? नहीं ढूंढा ना। कोई और भाई बहन थे आपके? भाई बहन है। है? उनसे है कोई बातचीत आपकी? अभी भाई के पास गया ना, बहन के पास गया था, वहाँ से मिल के आया था। हाँ। शादी वादी हो गई आपकी? मेरे नहीं हुई। करनी है? अब कहाँ होगा, अरे किस्मत में नहीं है तो कहाँ से हो जाएगा। मन नहीं करता कभी, कोई पसंद नहीं है? पसंद कौन पसंद करेगा, करवा दो, कर लेता हूँ। आपको कोई पसंद नहीं है? क्यों नहीं करेगा, अगर किसी को आप पसंद आए तो जरूर करेगा। आप ही दिखा दो कौन पसंद करेगा। मैं ऐसे ढूंढ के थोड़ी किसी को कह सकती हूँ। तो आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो मुझे कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? तो आपको नहीं कोई पसंद आया, चलिए मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको पसंद नहीं किया, आपको नहीं आया ऐसा कॉन्फिडेंस? पसंद आने से मिल थोड़ी जाएगा, तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे? कोशिश करके क्या क्या कर सकता, कोशिश करके खाली कोशिश ही कर सकता, उससे कुछ हो थोड़ी जाएगा। हल तो देखो, कोई भी हल परिश्रम से ही मिलता है जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। उस टाइम कुछ समय पहले काम नहीं करता था, आजकल अब मैं काम वाम करता हूँ, इतना कमा लेता हूँ कि खुद का ही पेट पाल सकता, दो पैसा जोड़ भी सकता हूँ मैं। चलिए आप अपने बारे में कुछ बताइए जरा, आप बताएं आप इनको कैसे जानते हैं? भैया भैया मुझे हो गया पूरा टोटल 20 साल हो गया। आपको? हाँ। इससे पहले आप कहाँ थे? पहले इसे 10 साल पहले हुआ था, सेंटर के अंदर, जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी? जहांगीरपुरी, जहांगीरपुरी सेंटर, सेल्टर, चिल्ड्रेन सेंटर, वहाँ पढ़ाई करते थे। वहाँ पढ़ाई करते थे, जैसे ट्रेनिंग वगैरह वो भी करवाते, जैसे कोर्स वगैरह, मैकेनिक वगैरह, इलेक्ट्रिक्स वगैरह, ये सब करवाते थे वहाँ पे जी। और वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करते थे, जो आगे बढ़ना चाहे या जो घर जाना चाहे जी। उसे वहाँ से भेज देते वापसी, जो घर जाना चाहे, जो जितना आगे तक पहुँचना चाहे। आप वहाँ पहुँचे कैसे? आप वहाँ पहुँचे कैसे? वहाँ पहुँच गया, इंडिया का बंदा भेजाया जी। इंडिया को एक बंदा था शंकर जी, वो भेजा सबको सेंटर कर सीखने के लिए का। हाँ। जी अब मुझे ये बताइए, ये कितने बजे सेंटर नहीं है जी, वहाँ खुले आम बच्चे बिकता, बच्चे बिकते हैं? हाँ सेंटर वो करता, वहाँ पता नहीं कितना पहले बिक गया था दो बच्चे। अच्छा। हम छप गया हूँ वहाँ से। तो आप लोग वहाँ से चले आए? हाँ। उसके बाद यहाँ आए? हाँ, फिर मंदिर आ गया। मंदिर में गुजारा चल रहा है? हाँ? मंदिर में चल रहा है गुजारा? हाँ, ये भगवान का सेवा करने आ रहे हैं। भगवान की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता, ऐसा लोग कहते तो है। हाँ? आपको ये महसूस होता है? नहीं, भगवान का सेवा करने आ रहा हूँ, बहुत हर चीज होता है, सभी चीज होता है, जादू, टोना, टोना, टोटका, भगवान, सब कुछ है इस दुनिया में। आप मानते हैं? कुछ मैं मानता हूँ, मेरे साथ बीता भी है ये हकीकत, कसम खा के कहता, मैं झूठ नहीं कहता कभी जी। हवा में भी शक्तियाँ होता है जो अदृश्य है, इस टाइम पे हर चीज होता है।
कोई जितना ऐसी जितना कर सको अच्छा करो, देश के उन्नति हो। सब मोदी मोदी चिल्ला रहा है, मोदी ने क्या करा, कल कबाड़ी चुनता था कोई लड़के वड़के, आज भी वो वही काम कर रहे हैं। देश के काम उन्नति, देश की उन्नति जब होगा, एक 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 बंदा जी पैसे वाला होगा, एक एक बंदा करियर पे अपना फोकस करेगा पूरा, ऐसे थोड़ी देश सुधरेगा। एक टाइल का मोती सही है, भले हम सबके जुओ से पेट भर लू, भले का बाल बच्चा है ये गांव वाले का, वो भाई सामान कहाँ से लेगा। प्याज था 20 रुपये किलो, अब प्याज हो गया 50-60 रुपये किलो, कहाँ से बच्चों को खिलाएगा वो। लेकिन वो वादा तो बहुत करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। खैर मैं किसी सरकार की ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, पर सरकारें आती हैं तो वादा तो यही होता है। ये तो पॉलिटिक्स ऐसे ही है, पॉलिटिक्स का कोई भी चीज सच नहीं होता है। आपको सामने कुछ और दिखेगा, पीछे कुछ और दिखेगा, बैक साइड में कुछ और दिखेगा। आपको ऐसा कोई अभी तक सरकार नहीं दिखी जो आप लोगों के बारे में सोचते? सरकार ने आज तक मेरे लिए क्या क्या है, शुरू से मेहनत करके ही आगे बढ़ाओ, मेहनत करके ही खा रहा हूँ। सरकार ने क्या करा है, ना मोदी ने कुछ करा ना उसने कुछ करा, किसने मेरे मदद करा है आज तक बताओ? आपको नहीं लगता ये भाई बंधु जितना यार दोस्त यही मेरे काम आया? बात मानो, वीडियो बनाना झांगरी पूरी पहुंचा, छोटे छोटे बच्चे होगा जी, और पता नहीं बच्चे का हाल का करने आ रहा होगा वहाँ, लट भेजे थोड़ी थोड़ी गलती के अंदर हाथ पैर तोड़ता है, जरा जरा सी गलती पे हाथ पैर तोड़ देता है। और ऐसी क्या गलती कर देते हैं बच्चे, क्या गलती कर देते हैं ऐसी? सुबह नहीं उठता है, 4 बजे नहाना, सीधा लत चिल्लाता है, मेरा उंगलियों से यहाँ टूट गया है, ये हाथ कितना बनिया था अभी ये संतरे के ना टूटा है जी। हाँ वो मैं समझ रही हूँ, मैं वही देख रही हूँ, कोई थोड़ी गलती से वहीं पे आपको परेशान किया था, सिस्टम में थोड़ा बहुत कमी है, जो पूरी तरह कर मालता है, बच्चे से काम कराता है हुआ यहाँ पर, जब कभी बच्चे काम नहीं करता हुआ बच्चे बच्चे से काम कराता है, खेती बाजी ये वो, तब उसे 2 पैसे खाना मिलता है। बच्चा काम ना करे तो हाथ पैर तोड़ने को भी तैयार रहते, खाना भी नहीं देते? वो बंदा हुआ काम करता तब देता उसे खाना पीना। एक बार जाओ झांगड़ी पूरी जी, झांगड़ी पूरी का एक से एक बच्चा मिला है, छोटा बड़ा सब हुई है जी। पर आपका ये कहना सरकारी कुछ नहीं करते, चाहे किसी की भी हो, सरकार का मतलब क्या है, वो देश का राजा है तो देशवासी उसके प्रजा हुई, प्रजा का देखना है, उसका देखभाल करना उसका कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल है। क्या मोटे पैसे इससे टैक्स लेना उससे टैक्स लेना यही काम है, गलत है ना ये जी। कौन कहता है सरकार पे कम पैसा है, दुनिया भर का बसें चल रहा है, मेट्रो ट्रेन चल रहा है, ये चल रहा है, कम पैसे आता है, सैलरी इनके काट पीट के फिर भी बहुत बच जाता है, कहाँ जाते हैं ये सारे पैसे, ठीक है गलत है ना? मुझे हर चीज के बच्चा मर गया छच्चा कुत्ते झांगड़ी पूरी वाले का वो सेंटर था ना, छच्चे ऊपर 2-3 बच्चा मर गया कुत्ते, इतना परेशान कर देते हैं। हाँ ये फूल सुबह आपको कितने बजे मिल जाते हैं? ये 7-10 बजे आ जाते हैं। कहाँ आप कहीं लेने जाते हैं क्या? ये किराए करके लेके आते हैं मंडी से। कितने का पड़ जाता होगा ये? तो दूर दूर से लेके आते हैं वैसे। कहाँ से? जैसे कलकत्ता हो गया, बेंगलोर हो गया, दूर सुबह सुबह फूल वहाँ से आ जाते हैं? नहीं वहाँ से टेम्पो करेगा, ट्रक में भरेगा, फिर मंडी में फेंकेगा, मंडी से उठाएंगे वहाँ से फिर यहाँ लेके आते हैं। मंडी कितने बजे खुल जाती होगी सुबह? मंडी तो सुबह 5 ही बजे खुल जाता है। गांजीपुर कितना दूर है यहाँ से? गांजीपुर ये लक्ष्मी नगर से आगे, आनंद विहार से आगे। वो तो आप लोगों को मतलब सुबह कितने बजे उठ के जाते हैं वहाँ? मैं नहीं जाता। कौन जाता है? लाने वाले ला देते हैं, उनके पल्लेदार होते हैं, ये होते हैं, वो अच्छा, लेके अच्छा। आते हैं। आप लोग यहाँ बैठ के ये बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा अगर आप लोग बताना चाहें तो जितनी कमाई हो रही है उससे जीवन गुजर जाएगा? वहाँ छत्ता का खाना पीना बनता है, झांगड़ी पूरी का कीड़ा मकोड़े वाले खाना, खाना भी अच्छा नहीं देते वहाँ। एक काम करो, 30-40 हज़ार का मेरा नौकरी लगवा दो। मैं लगवा दूं? फिर मैं सरकार आप इस तरह अगर आपका गुजारा नहीं चलेगा फिर भी हम कर ही रहे हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। कहते जीवन है उस भगवान ने दिया है जीवन, तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा मेरे बारे में। जब तक अंत नहीं होता जीवन की, जब तक आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है।
पागल हो के चाहे रो के चाहे हंस के, जब तक जीवन काटना ही है यह सत्य है। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानती हूँ इस बात को। अच्छा आपने जैसे कहा कि सब कुछ है, भगवान है, काला जादू है, टोना टोटका, रियली में कभी कुछ ऐसा अगर आपको महसूस हुआ है कुछ बता? मेरे पर बीता है ना, बहुत बार बीता है कोई एक घटना। फिलहाल सब चीज से दूर हो गया मैं इस टाइम पे, क्योंकि भगवान के इतना कृपा है, क्योंकि मेरे नाम स्वयं भगवान के नाम से मेरा नाम जुड़ता है, तो भगवान का इसलिए इतना कृपा है। ये बात तो है, नाम तो आपका बहुत सुंदर है। किसने रखा था? माता जी ने, पिता जी ने? माता पिता ने रखा। और माता पिता से चार पाँच साल पहले मिले थे आप? नहीं, मैं तो छोटे में पिता मर गया था, फिर बाद में घर गया तो माता जी भी मर गए थे, फिर उस टाइम पे फिर बहन से मैं मिला था। तो आपको पता था कि आपके इधर आते के बाद माता जी? मैं जाके बताया मैं क्या यहीं काम कर रहा हूँ, उनको पता है था कि दिल्ली में काम करता है। तो परिवार में अभी कौन है आपके? अभी भांजा, बहन का पास तो भांजा है, भांजी है, वो सब भांजी पढ़ाई कर रहा है, दोनों भांजे काम कर रहे हैं, और बड़े भाई जो है मेरे भाई है उसके नेपाल में घर है जी। और वो अपना दुकान खोल रखा है, जैसे राशन वर्शन का ऐसे कुछ दुकान खोल रखा है। उनका वाइफ है, डॉटर है, वो दुकान के देखभाल करते हैं। फिलहाल तो वहाँ गया नहीं मैं, अभी जाऊँगा तो पता करूँगा। जाना है भाई से मिलना? पैसा हो भी नहीं करता है, होगा तो चला जाऊँगा, 2-2.5 लाख रुपए हो जाएगा तो चला जाऊँगा वहाँ। यहाँ से छोड़ के ही चले जाएंगे? नहीं नहीं, भगवान का द्वार मैं कहाँ छोड़ूंगा, भगवान का द्वार नहीं छोड़ेंगे। सबसे सुंदर भगवान मेरे मन में है जी, मैं दिखावा कभी नहीं करता जी। सत्य है, जिसने इस दुनिया को पूरा दुनिया के रचना करा, उनसे मिल उनसे बड़ा कोई है? फिर अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान में मानते नहीं है, उनसे कुछ वो पापी होते ऐसे हैं। लोग पाला पड़ा है जो भगवान में ना मानते हो? उससे मैं बात ही नहीं करता, पापी है वो। मुझे चाइल्ड सेंटर के बारे में थोड़ा और बता सकते? बता दूंगा। चाइल्ड सेंटर में क्या जानना है? क्या होता है दरअसल वहाँ पे? चाइल्ड सेंटर में जितना डोनेशन आता है कुछ तो देते हैं, कुछ जो स्टाफ लोग ले जाते हैं वैसे ही उठा के। बच्चे कहाँ के आते हैं उसमें? बच्चे दूर दूर के होते हैं, जैसे बंगाल के, बिहार के, नेपाल के, दूर दूर से बच्चे आते हैं। अपनी मर्जी से आते हैं या लोग लेके जाते हैं? हर किसी को कोई ना कोई समस्या होता है, या तो कोई किसी का बाप मार रहा होता है, या तो कोई उसका माँ बाप कदर नहीं करता, या तो बच्चे कहीं गुम हो जाते वो बच्चे आते हैं, ठीक है, या तो कोई उसे गुनेगारे में ढकेल देते हैं, या किसी से लड़ाई हो जाता, लड़ाई का डर से भाग जाते, या माँ बाप का डर से भाग जाते कि मारेंगे, इस वजह से आते हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अगर सुना जाए तो बड़ी अच्छी जगह है कि मान लीजिए जहाँ जिन बच्चों की कदर कोई नहीं कर रहा है वो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, पर जैसे चाइल्ड सेंटर्स के बारे में ये बता रहे हैं? नहीं, सिस्टम में थोड़ा बहुत कमी है। अच्छा, सामने कुछ और दिखाते पीछे कुछ और करते, ये तो हकीकत है। यानी वहाँ बच्चों को परेशान किया जाता है? किया जाता, हर बहुत कुछ होता है वहाँ, जिंदगी वहाँ जाने का बाद देखने का बाद ही उस चीज़ को महसूस करा जा सकता है, एकदम से तो फील नहीं कर सकता किसी चीज़ को, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। लाइफ में बहुत चीज़ है जो होना बहुत ज़रूरी, कुछ चीज़ों को ऐसा है कि देखना ज़रूरी है, और कुछ चीज़ों को ऐसा है कि भूलना बहुत ज़रूरी है। मानते हो इस आप? बिल्कुल, ऐसे दुनियादारी चल रहा और कोई बात नहीं। कब तक रहते हैं आप लोग यहाँ पर? मैं मतलब ये फूल वगैरह काम तक कब तक चल जाएगा? ये तो शाम को ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाते हैं? हाँ। मान लीजिए आज मंगलवार है इसलिए ज़्यादा बिकेगा कि नॉर्मली भी लोग आते हैं? नॉर्मल भी आते हैं। और कुछ जो आप बताना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में? पिक्चर विक्चर देख लेते हैं? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कहाँ, फ़ोन पे या? सेल फोन पे देख लेता हूँ या PVR पे देख लेता हूँ। PVR पे कौन सी पिक्चर देखी थी आखिर? मैंने बीच में इसमें देखा था, कौन सा पिक्चर लगा हुआ था ध्यान नहीं है, काफ़ी साल पहले देखा था इस PVR पे। कोई हीरो हीरो पसंद है? हीरो में हीरो बताओ, हीरो सबसे बढ़िया शाहरुख खान है। अरे सर, हमको भी बहुत पसंद है शाहरुख खान, जरूरत से ज़्यादा पसंद है। कोई हीरोइन?
आप बताएं आपको कौन सी हीरोइन पसंद है, अगर कोई है तो? हीरोइन बताओ, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, अरे सर आपकी? मुझे कोई ऐसा हीरो पसंद नहीं है। कोई नहीं, आप सबसे बड़े हीरो हैं। अपना अपना जगह सारे हीरो हैं। बिल्कुल, आप भी दो हीरो हैं। और कोई हीरोइन? हाँ हीरोइन कोई? ये लोग अपना देश है उनका। हीरोइन नहीं पसंद कोई? अच्छा। अरे अपना अपना जगह करना राजा है। राजा तो सब अपनी दुनिया के, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। अच्छा सर, मैं क्या पूछ रही थी, जैसे आपने कहा था कि आपको सिंगर बनना था, गाना वाना एक दो लाइन कुछ गुनगुना देते हमारे लिए? थोड़ा बहुत गाना आता, अब तो मैं गाना वाना नहीं गाता हूँ। एक दो लाइन गुनगुना दीजिए। याद नहीं, अभी काफ़ी पहले गाता था। किसी भी गाने में एक लाइन? अभी इतना याद नहीं है ना, अभी भूल गया सारे कुछ। ठीक है, तो इस बात का आपको मलाल है कि आप म्यूजिक नहीं कर पाए, गाना नहीं गा पाए? कोई बात नहीं, किस्मत में जो लिखा था वो मैं बन गया। मैं सिंगर बनना चाहता था, मैं आर्टिस्ट बन गया, कुछ ना कुछ तो। अब हम फील करते, जैसे हम सोचेंगे कि हम चाँद को मैं छू लूँगा, वो चाँद को तो नहीं छू सकता है, मुझे ही पता है और सबको पता है, लेकिन पेड़ को तो छू ही सकता, पेड़ के ऊँचाई तक तो जा ही सकता मैं, पेड़ पर तो चढ़ के पेड़ उतना ऊँचाई तो जा ही सकता मैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। और आप बहुत ऊंचाई पर भगवान की सेवा कर रहे हैं, लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं भगवान तक उनका प्यार पहुंचाने के लिए, इससे बड़ा और क्या ही काम होगा। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बात की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहेंगे आप? ना ना, बस हो गया। आपको भी धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू।